नमस्कार दोस्तों, INCTV पर आपका स्वागत है। केजरीवाल जी कलाकार के जीव हैं, कब कहां क्या गेम खेलते हैं इसकी खबर शुरू में केवल उन्हीं को होती है, बाद में पब्लिक को समझ में आता है कि जनाब ने उनके साथ खेल कर दिया है। लेकिन जब तक पब्लिक उनका खेल समझती है तब तक केजरीवाल जी अपना काम कर चुके होते हैं। अब देखिए, जब केजरीवाल जी ने कहा कि पंजाब के लोग आपका CM फेस चुनेंगे, तो लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रैक्टिस है। कुछ लोगों ने तारीफ करते हुए ये भी कहा कि केजरीवाल जी बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके अपना रहे हैं, सीधे पब्लिक को उनका CM फेस चुनने का मौका दे रहे हैं। कुछ लोगों ने उस नंबर पर, जो नंबर उन्होंने दिया उस पर कॉल करके अपनी राय बताई भी। लेकिन अब खबर ये मिल रही है सूत्रों से कि CM फेस पर राय जानने की कवायद तो केजरीवाल जी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। दरअसल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक CM फेस यानी पंजाब का CM फेस चुनने के बहाने केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ोन नंबर जुटा रही है। पंजाब के मतदाताओं का कॉल डाटा बैंक बना रहे हैं ताकि वो डिजिटल चुनाव प्रचार में उन नंबरों का इस्तेमाल कर सकें। इसे आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अपने केजरीवाल जी के जारी किए नंबर पर फ़ोन करके बस ये बताया कि आपकी राय में आम आदमी पार्टी का CM फेस कौन होना चाहिए। आपके कॉल करने के कुछ घंटों बाद या अगले दिन आपके नंबर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से फ़ोन आएगा और उस कॉल में केजरीवाल जी का सो कॉल्ड उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। बड़े बड़े चुनावी जो वादे होंगे वो गिनाए जाएंगे। आप चाहे ना चाहें आपको उन कॉल डिटेल को अटेंड करना होगा। केजरीवाल जी ये काम सीधे तौर पर भी कर सकते थे, लेकिन तब लोग उन्हें अपना नंबर शेयर करना पसंद नहीं करते। इसलिए केजरीवाल जी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नंबर हासिल करने के लिए CM फेस चुनने का शगुफा छोड़ दिया है। केजरीवाल जी की ये शातिराना चाल बता रही है कि वो पंजाब में किस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं।